ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇମେନ୍ସନ ପକେଇବୁ, ଡାଇମେନ୍ସନ ଜଣା ଦେବାର ଅପସନ सर एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू रो इंटू बी टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय जी टू द पावर जी क्यूब। अच्छा आउ का आंसर आसले की आउ का आंसर आसले की प्रियदर्शनी जिज्ञासिनी अंकिता सोनाली इंद्रावती चिन्मय खाली विभुदर्शनी ही आंसर आसला आउ का हाल होने हां कोई सही रहता है लेखा हाँ देखो देखो m equal to k b to the power x x rho to the power y g to the power z बर्तन दिए सर समझ समझ डायमेंशन पकाओ इक्वेशन फॉर्म करो सॉल्व करो फिर सर बेसिक टाइम पर जो नेक्स्ट वीक में ये स्कूल में होता है डायमेंशन का आउ कार सॉल्व हला कि पिले जी भी मैंने कौन कौन यस सॉल्व है ना देखो मैं सॉल्व कर चुका देखो तुम क्यों भी धरी पड़ो कि इसको गेम बने देखो कितने बढ़िया चीज़ है कौन लिखी बो सॉल्यूशन कौन लिखी बो सी कौन करी चीज़ मास डिपेंड्स ऑन कहाँ कहाँ पर डिपेंड करी चीज़ बी अच्छा धरी नहीं ये बी रो पावर एक्स पर डिपेंड करी चीज़ रो धरी नहीं रो रो पावर वाई पर डिपेंड करी चीज़ जी धरी नहीं ये जी रो पावर जेड पर डिपेंड करी चीज़ ये लिखी पड़ो नहीं अच्छा ता परे ता पर डायमेंशन पकाओ मास और डायमेंशन कौन हां हां मास और डायमेंशन के ए से कोई टेबल अछि सतरा जनस डायमेंशन बस ए बस सतरा जनस डायमेंशन बस ये ना बहुत सब दे छ का डायमेंशन कौन मोर कौन टेबल पर दे दे छड़ मास का डायमेंशन कौन मिले एम लिख लो वेलोसिटी का डायमेंशन कौन एल टी बाय द फन एल टी टू फॉर माइनस 1 रो का डायमेंशन कौन एम एल टू द पावर माइनस 3 रो का डायमेंशन हो छी एम एल टू द पावर माइनस 3 जीरो डायमेंशन कौन एल टी टू पावर माइनस टू देखो तुम्हें जदि डायमेंशन जदि मन में न रखो देखो तुम्हें जदि बेसिकली आज असुविधा कौन हो छी तुमको लास्ट क्लास ऑलरेडी पढ़े सकछि किंतु तुम्हें संभव किछ भी मन रखिन तेनु करे मु आगो को जाय परलेनि मु से पुरना जेंस को कोनी पढ़ेली तरे प्रकार मु जदि पुरना जेंस को कोनी पढ़ेली त सिलेबस कंप्लीशन होबनि
बा धरि नै मु एक्स्ट्रा टाइम भी नै जिबि कि तमे जते समय पुरना जिनस को मने न रखिबो हम आगु को जाई परिबे नि धरि नि तमे 2 + 3 = 5 तमे डेली भूलि जाउतबो त ताहेले मु आगु को आ केमि जिबि डेली से 2 + 3 ही पढाइबे ना स्क्वायर रूट को आगु केमि जिबि क्यूब रूट को केमि देबि स्क्वायर को केमि देबि तम तो सबले प्लस टाइम भूलि जाउछ बुझि पडछ त मु कहिथिलि फार्मूला सब घुसि के आसीबा पई के किछि घुसि न सब अलसो आउ गज नेक आर नेक्स्ट कोन हो आर नेक्स्ट कोन हो एपडे लेखो एपडे एम रो पावर केते अछि देखिलो एपडे एम रो पावर केते अछि एम रो पावर वाई अछि एल रो पावर केते अछि एक्स माइनस 3 अछि एक देख एडे एल रो पावर केते अछि एक्स एडे एल रो पावर केते अछि माइनस 3 वाई हां एडे एल रो पावर प्लस जेड जेड तो एल रो पावर अछि एक्स माइनस 3 वाई प्लस जेड अच्छा टी रो पावर केते अछि माइनस माइनस 2 जेड माइनस एक्स माइनस 2 जेड एल रो पावर अच्छा तापर नेक्स्ट स्टेप कोन ए प्रकार लिखि देली नेक्स्ट स्टेप कोन नेक्स्ट स्टेप कोन इक्वेट करबा एलएचएस और आरएचएस रो पावर को एलएचएस और आरएचएस रे एम रो पावर एल रो पावर टी रो पावर समस्त को इक्वेट करके इक्वेशन लिखिबा राइट तो चल इक्वेशन लिखो एम रो पावर को इक्वेट करले कोन हो वाई इक्वल टू व्हाट एल रो पावर को इक्वेट करले कोन हो एक्स माइनस 3 वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 टी रो पावर को इक्वेट करले कोन हो माइनस एक्स माइनस 2 जेड अच्छा एस को इक्वेशन सॉल्व करेगा सब हमारे जो कम से कम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाइन क्लास आने से हमने सॉल्व करो ऑलरेडी वाई तो बाहर जाएगी एक्स और जेड का डिवाइड हो चुका है एक्स इक्वल टू इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं वायर वैल्यू को दियो ये एक्स जेड का कोटे इक्वेशन आ सिबो ये एक्स जेड का कोटे इक्वेशन आ सिबो डेटा इक्वेशन डेटा वेरिएबल सॉल्व कर एक्स जेड का देखो सिंपल y तो बाहर ही होगा तो y होगा ओके ले इक्वेशन के तब x + z = 3 एडा कहते x + 2 z = 0 फेड दियो z आसी को 3 ही तो z z तुम कौन भाग दिले हम भाई से अच्छा z 3 आसी ना अच्छा जेड तीन ही आसला परे नहीं जेड तीन नहीं जेड माइनस तीन आसे जेड माइनस तीन आसे बेहु तमे अच्छो की क्लास रे यस सर तमो जेड केते आसे माइनस तीन आसे छी कि तो माइनस 3 बट मु तळ को ले आसले त मु भूली गेली ठीके तो जेड आसला एक्स एक्स तले केते आसीबो एक्स आसीबो केते 6 यस सर 6 वैल्यू बड़े का आसी गला एक्स आसी गला वाई आसी गला जेड आसी गला वर्तमान से इक्वेशन पता चाहिए इक्वेशन लेके जीवो देखो एडी कौन लेती है बी रो पावर एक्स पावर वाई जीरो पावर जेड नहीं सुना ना तो a इक्वल टू कांस्टेंट इनटू b टू द पावर 6 रो टू द पावर 1 g टू द पावर माइनस 3 b रो पावर 6 रो रो पावर 1 आउ जीरो पावर माइनस 6 ये होगा आंसर बा आप लिख परिबो m इक्वल टू
k into v to the power 6 rho by g to the power sorry g kate z kate minus k eta minus k g cube ye hochi answer hega dekhila एनीवे बर्तमान आम थर्ड यूज को जीवा तुम सेकंड यूज रही जाइ चलो थर्ड यूज लिख थर्ड यूज कौन लिख कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स थर्ड यूज तेंदा यूज हम पढ़ु थे देखो टॉपिक हम तो स्टार्ट हला मु कहली यूजेस ऑफ डायरेक्शनल एनालिसिस फर्स्ट यूज टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन सेकंड यूज कौन टू डायरेक्ट फार्मूलास थर्ड यूज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लिखि थिले सेडा हम पढ़ु छ लिख कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स conversion of units tama bahut prakar unit system achi se katha mu koi sarchi kon kon unit system achi kon kon unit system achi mone pakai le tike fps mks fps achi mks achi si ha to jodi gote unit system re value diya jai chi ko jai chi ta anya gote unit system ku change karo jemti udaharan pai हमरो एसआई यूनिट सिस्टम रे फोर्स यूनिट कोन न्यूटन आ हमरो फिजिक्स यूनिट सिस्टम रे फोर्स यूनिट कोन टाइम प्रथम जदी कह जइबो डी न्यूटन केते टाइम हां बट फाइव टाइम ए कन्वर्जन गुडा को करबा पई डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का सहायता करे केमेदी करे देखो मेथड मन रख व्हाट इज इनसो देखो 1 मीटर को वो सेंटीमीटर लिखने के में जाओ कितने सेंटीमीटर होगा 500 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा अच्छा तो मिलीमीटर लिखने के तो 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर होगा अच्छा देखो ये गोटी चीज़ तो ध्यान दियो मीटर टा बड़ा ना सेंटीमीटर बड़ा ना मिलीमीटर टा मीटर बड़ा सेंटीमीटर साधा अच्छा देखो ये देखो सामने यूनिट ले वैल्यू बड़ा आसु नोट कर पछ तो सेम चीज को तमे बड़ा यूनिट रे मेजर करले नंबर ता छोटा आसी नंबर ता छोटा आसी मीटर माने से ए को आसी इन मिलीमीटर हजार मिलीमीटर आसी नो ओके सेम चीज रे मीटर रे कहले छोटो होय मिलीमीटर रे कहले बड़ो होय तो तमे जत्ते बड़ा यूनिट यूज करबो से वैल्यूटा सेते छोटो जते छोटो यूनिट रे मेजर करबो से वैल्यूटा सेते बडो किंतु किंतु से वैल्यू आ से यूनिट मल्टीप्लाई करबो समान 1 मीटर वैल्यू ओनली हां मल्टीप्लाई करबो समान 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर मिलीमीटर मीटर और मिलीमीटर समान न हो 1000 समान न हो किंतु 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर मीटर और सेंटीमीटर समान न हो किन 1 मीटर 1 इक्वल 100 भी समान न हो किन 1 मीटर इक्वल टू 100 तो खाली यूनिट गुडा समान न होती खाली नंबर गुडा को भी समान न होती किंतु नंबर और से यूनिट टेकन टुगेदर दे आर इक्वल गॉट इट अब हम कहो n1 इक्वल टू n2 u2 u1 इज नॉट इक्वल टू u2 n1 is not equal to n2 but n1 equal equal to n2 u2 eta bujha padle ki logic e logic ki ame unit ko convert kariba gote system ro a gote system dekho kemiti kariba simple udaharan swarupa dharina question padha raichi je 1 newton equal to kete time yo chi question yo chi question kon je 1 newton एकोटो केते टाइम अच्छा एटा न्यूटन डाइन एगुडा को क्वांटिटी रो यूनिट टिके भाबिलो लेंथ रो यूनिट मास रो यूनिट
यस मन टे इलेक्ट्रिसिटी पलैला तो वाईफाई कटि जाइए पुणी कनेक्शन कर मोबाइल हटस्पट बटन चल यस तो कौन डायरेक्शन कौन के जानि एम ए टी माइनस 2 कौन सा डायरेक्शन होची एम एल टी टू द पावर माइनस 2 ये होची फोर्स का डायरेक्शन देखो तुम इतने जिनस मन में रखले हो अच्छा तो वर्तमान ए न्यूटन को भी हम लिखिबा डाइन को हम लिखिबा तर बेसिक यूनिट गुडा कर हम चेंज कर अच्छा तो देखो एडे हम को लिखिबी एडे 1 न्यूटन अछि अच्छा तो से 1 न्यूटन को आ फंडामेंटल क्वांटिटी रे डिवाइड कर अच्छा तो न्यूटन पाई मास मास को कोन लिखिबी 1 केजी तो न्यूटन एडा एडा होछ हमर एसआई यूनिट सिस्टम रे यूनिटटा एडा होछ हमर सीजीएस यूनिट सिस्टम रे यूनिट तो हमें जानि छन जे फोर्स रे यूनिट आ फोर्स रो डायमेंशन छ एमएल टी पावर माइनस 2 तो हमें ए क्वांटिटी गुडा को समान रो फंडामेंटल यूनिट रे तो फंडामेंटल यूनिट रे भाग कर डिवाइड कर दो तो न्यूटन न्यूटन भीतर कोन आसीबो मास आसीबो 1 केजी लेंथ आसीबो 1 मीटर टाइम आसीबो 1 सेकंड रो पावर माइनस 2 बुझ पाल के भगवान मु जानी छे न्यूटन भीतर को फंडामेंटल क्वांटिटी केते थरा छे कारण मु जानि छे डायमेंशन ये फोर्स रो डायमेंशन छे एमएल टी पावर माइनस 2 माने इधर मास थरे आसे लेंथ थरे आसे टाइम पावर माइनस 2 इनके आसे अच्छा तो मास मास के थरे आसला आ कोन मीटर के थरे आसला आ टाइम टाइम कोन 1 सेकंड 1 सेकंड टू द पावर माइनस 2 से प्रकार सीजीएस यूनिट सिस्टम रे ताको तार फंडामेंटल क्वांटिटी रे भाग कर सीजीएस यूनिट सिस्टम मास सीजीएस यूनिट सिस्टम रे मास कोन सीजीएस यूनिट सिस्टम रे मास कोन सार माने अछि सर व्हाट ग्राम ग्राम तो ये एक्स अछि हां आ रे ग्राम लिखिबा ग्राम थरे आसीबो अच्छा लेंथ सीजीएस यूनिट सिस्टम रे लेंथ कोन मीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पहिले लेंथ बदल के आसीबो सेंटीमीटर अच्छा सीजीएस यूनिट सिस्टम रे टाइम बदल ले कोन आसीबो सेकंड सेकंड पहिले भी आसीबो 1 सेकंड स्क्रीन रेडी भले आसुनी हां एट स्क्रीन रेडी भले आसुनी स्क्रीन भले आसुनी अच्छा मोर तो एडिट पूरा क्लियर अछि बिगु तुमको देखा जाउ छी स्क्रीन यस सर क्लियर अछि किछ इंटरनेट प्रॉब्लम थिबो तुमको देखो क्लियर अछि तुमर एडे सर आफर टिके रिपीट कर दिन देखो देखो सर रिपीट ही कर दिन दो थरी तो 1 न्यूटन
इक्वल टू केते टाइम से पचास छि केते टाइम एक्स टाइम माने इक्वल एक्स टाइम से एक्स टाइम कैलकुलेट करबे केमे कैलकुलेट करबे ए न्यूटन टाइम माने हम सब फोर्स फोर्स वे इन पूरा तो मु फोर्स को डायमेंशन लिख देली फोर्स को डायमेंशन ला ml टेक पर माइनस 2 वर्तमान से डायमेंशन यूज करे कि मु न्यूटन को मध्य तार फंडामेंटल यूनिट रे डिवाइड कर देली टाइम को मध्य तार फंडामेंटल यूनिट रे डिवाइड कर दे तो न्यूटन को मान लिखी न्यूटन भीतर मास थोरै आसुची लेंथ थोरै आसुची टाइम पावर माइनस 2 के आसुची अच्छा मास थोरै आसुची माने केजी लेंथ थोरै आसुची माने मीटर टाइम थोरै आसुची माने 1 सेकंड अच्छा टाइम बदलले कोन पकेबी सेकंड को देखबी मुझे पक्ष ना मते जाना से एसआई यूनिट सिस्टम रे मास कोन लेंथ कोन टाइम कोन सीजे यूनिट सिस्टम रे मास कोन लेंथ कोन टाइम कोन से छोरा पते जाना तुम जस्ट पके देले ए स्टेप ता पूछा पड़ले जदी हाथ उठा जदी ए स्टेप पूछा पड़ीला तले हाथ उठा माने कटि गेले बिगुद बिपु हाथ उठेला माने गुला कटि गेले Yes. देखा जाऊ छी बुझा पड़ छी ए स्टेप रु ए स्टेप जदि बुझा गला ताले हाथ उठाओ से न्यूटन को मु फंडामेंटल यूनिट रे भाग कर देली डाइन को फंडामेंटल यूनिट रे भाग कर देली बुझा पड़ला हां कि ना 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 कौन बुझा पड़ला अच्छा फोर्स रो डायमेंशन किया एक कथा जने गला हां सर एम एल को माइनस 2 एक कथा जने गला फोर्स रो डायमेंशन किया हां कि ना अच्छा वर्तमान तो फोर्स रो डायमेंशन एम एल टी को माइनस 2 तो ए न्यूटन रखो न्यूटन रखो एम एल टी को माइनस 2 से पकी देली वैल्यू तो न्यूटन रे मास थोरै आसीबार अछि केजी 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 लेंथ थोरै आसीबार अछि तो मीटर मीटर बाय सेंटीमीटर अच्छा 1 सेकंड टू द पावर माइनस 2 1 सेकंड टू द पावर माइनस 2 कॉस्ट करेस अच्छा वर्तमान केजी बाय ग्राम कते होबो 1 केजी बाय 1 ग्राम कते 100 1000 1000 ना यस सर यस सर 1000 ग्राम हो ओके तो केजी बाय ग्राम 1000 हो लिखे अच्छा मीटर बाय सेंटीमीटर 100 हां मीटर बाय सेंटीमीटर 100 होबो अच्छा तो x टाइम कितना है 10 टू द पावर 5 इज इक्वल 5 टाइम हेलो तो हमारा आंसर आसला तो हले 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम ये है आंसर
बुझा पड़ला चलो यस सर आज पई एति वर्तमान तुम्हारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो परफेक्ट हे गला ठीक अछि कन्वर्सन फिनिश मन रखो एमिति करा जाय नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो मु समस्त को फार्मूला पचारि कि अच्छा तुम से ग्रुप डा तुम ऐड हे छन से ग्रुप शेयर हे छि टाइम टेबल तो तुम आफ्टरनून 3:30 to 4:30 से क्लास बडा को जॉइन करछ बुझा आफ्टरनून 3:30 to 4:30 मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्लास बडा तुम जॉइन सर ऑनलाइन क्लास सब दिन हम या किसी टाइम टेबल अच्छे फिक्स्ड डे तुमको जो ग्रुप डे ऐड करी छी से ग्रुप डे मते टाइम टेबल रखा है छी अच्छा से टाइम टेबल आउट ठीक शेयर कर देलो कि से ग्रुप रे अछो हैला से ग्रुप रे टाइम टेबल दिया है छी से टाइम टेबल अनुसार क्लास होबे ओके सर बते मे बी तमे से ग्रुप डे जे लास्ट रे ऐड होले तुमको बते देखा लगनी किले से ग्रुप रे टाइम टेबल आउट रे शेयर कर दो हैला सर तो शेयर कराए से सब दिन 3:30 to 5:30 ऑनलाइन क्लास चले जान छो ना हां तो बस फास्ट चिपो ठीक है चलो बाय।